Hello students, now we have to start the chapter, that is socialism in Europe and Russian Revolution. Okay, तो अभी हम पढ़ रहे हैं about the socialism in Europe. Okay, इसमें हमने three ideas already discuss कर लिए थे, that was liberals, radicals and conservatives. ठीक है, ये तीन ideas पूरे यूरोप में prevail हो रहे थे और यूरोप में इन आइडियाज के हिसाब से लोग फेथ करते थे. ठीक है, बेसिकली दीज वर आइडियाज, है ना, ऐसे कोई पार्टी या एसोसिएशन नहीं थी. ठीक है, इसके बाद यूरोप में यही वो टाइम पीरियड था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हो गया यूरोप में, है ना, इंडस्ट्रीज ओपन होनी शुरू हो गई अलग अलग जगहों पर, जिससे कि काफी लोग इन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए विलेजेस से टाउन की तरफ आने लग गए. ठीक है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी बननी शुरू हुई जिसकी वजह से बहुत सारे सोशल चेंजेस भी हुए. ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ और बहुत सारे लोग टाउन से सिटी की तरफ माइग्रेट होकर के आने लगे इन सर्च ऑफ वर्क. ठीक है, कि भाई शहरों में इंडस्ट्रीज खुल रही हैं तो इंडस्ट्रीज में हमें जॉब मिलेगी. ठीक है, क्या हो रहा है, पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम टाउन्स टू सिटीज इन सर्च ऑफ ऑफ जॉब्स. ठीक है, जॉब्स हो रही हैं, क्यों मिल रही हैं, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सिटीज. ठीक है, सिटीज में इंडस्ट्रीज ओपन होना शुरू हो गई, बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ सिटीज में. ओके, लेकिन अब जो लोग माइग्रेट होकर के आ रहे थे टाउन से सिटी में इन सर्च ऑफ जॉब, तो जॉब इतनी नहीं थी कंपैरेटिव टू द पीपल, दोज हु केम टू इंडियन केम टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब. तो क्या होगा, वेजेस जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे, और क्योंकि अभी अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है तो कोई रूल्स रेगुलेशंस भी नहीं थे, तो वर्किंग आवर्स कोई टाइम पीरियड नहीं था कि कितने घंटे काम कराना है, तो वर्किंग आवर्स वर वेरी लॉन्ग, 12-15 घंटे तक के वर्किंग आवर्स थे. तो यहां पर क्या हो रहा था, उनको वर्किंग आवर्स वर लॉन्ग और वेजेस कैसे मिल रहे थे, एंड वेजेस वर वेरी लो, है ना, रूल्स रेगुलेशंस थे ही नहीं. अभी क्या है, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन कोई भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉय से 8 आवर से ज्यादा काम नहीं करवा सकती. दीज आर द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री. ठीक है, वर्किंग आवर्स फिक्स कर दिए, लेकिन उस समय तक क्योंकि ये काम शुरू ही हुआ था, अभी तक तो कौन सा काम था, आइदर दे आर डूइंग द ट्रेडिंग और एग्रीकल्चर, अपना काम है कभी भी करो अपने अकॉर्डिंगली, कोई आपसे बोलने वाला नहीं है. और एग्रीकल्चर में तो सुबह सूरज निकलने से लेकर के सूरज ढलने तक काम ही काम है ना, आपको उसमें एज सच टाइम बाउंडेड नहीं था कि इतने बजे से इतने बजे तक करना है. पहली बार टाइम बाउंडेड काम शुरू हुआ जिसमें आपको टाइम के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे, है ना, फिक्स पैसे थे, लेकिन पैसे कैसे थे यहां पर, दैट वॉज वेरी
लो कंपैरेटिव टू देयर वर्क, जो काम करा रहे थे उसके वर्किंग आवर्स भी कैसे थे, दैट वॉज वेरी लॉन्ग, कि भी ऐसा नहीं है कि इतने घंटे के इतने काम मिलेंगे, आप करते जाओ। दस किसी फैक्ट्री में 10 घंटे का काम था, किसी में 12, किसी में 15, अकॉर्डिंग टू द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, वो अपने अपने काम करवा रहे थे, ठीक है। और ऐसा क्यों था, ऐसा होने का रीजन, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट वर कॉमन, बहुत ही कॉमन था अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास अगर काम नहीं होगा तो वो कुछ भी काम करने को रेडी होंगे, चाहे कुछ भी वेजेस मिले, एटलीस्ट लाइवलीहुड तो चलेगी, है ना, उससे उनकी कुछ ना कुछ ज़रूरतें तो पूरी होंगी, कुछ नहीं से तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये कंडीशन यहाँ पर आ रही थी, ओके। और अब यहाँ पर जो हमने आइडियाज पढ़े थे अबाउट द लिबरल्स एंड रेडिकल्स, वो खुद भी कुछ फैक्ट्री के ओनर्स थे, इसके अलावा वो चाहते थे कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो। प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर, यहाँ पर हाउसिंग की प्रॉब्लम थी, हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम्स वर कॉमन, क्योंकि पहले से कोई लोग तैयार तो थे नहीं कि भाई टाउन से इतने लोग सिटी में आएंगे तो उनके रहने का इंतजाम करवा दिया जाए, तो घर नहीं थे रहने के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं थी, वॉशरूम की फैसिलिटीज, ये सब फैसिलिटीज नहीं थी, ये कॉमन प्रॉब्लम थी। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज थी वहां पर भी एज सच कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, तो लिबरल्स एंड रेडिकल्स क्योंकि वो लोगों को सपोर्ट करते थे तो वो चाहते थे कि जो लोग हैं उन्हें फैसिलिटीज मिले, अकॉर्डिंग टू द लिबरल्स एंड रेडिकल्स कि जो लोग हैं दे आर द प्रोड्यूसर, मीन्स दे प्रोड्यूस द गुड्स, है ना, उसी गुड से तो आप पैसे कमा रहे हो, अगर वो सामान प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आप कैसे अर्निंग करोगे, तो इट्स कंपल्सरी टू प्रोवाइड देम द फैसिलिटी। तो लिबरल और रेडिकल्स उन्हें सपोर्ट करते थे, ठीक है, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, ठीक है। ये दोनों कम्युनिटीज कैसी थी, हमने इनके बारे में पहले पढ़ा है, दीज वर द आइडियाज विच वॉज स्प्रेड ऑल ओवर द यूरोप, है ना, और इनमें से ही काफी सारे लोग कैसे थे, देवर रिच एंड द फैक्ट्री ओनर्स, ठीक है। तो लिबरल एंड रेडिकल्स क्या चाहते थे, दे वॉन्टेड टू सर्च द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है, लिबरल एंड रेडिकल्स सर्च्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम, हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम, वर्किंग आवर्स वर लॉन्ग, वेजेस उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है, इन सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते थे। अब ऐसा नहीं है कि लिबरल्स और रेडिकल्स ये गरीब लोग हैं, दे देमसेल्व्स आर द फैक्ट्री ओनर, बहुत सारे लिबरल्स और रेडिकल्स कैसे थे, खुद फैक्ट्री ओनर थे, खुद की फैक्ट्रीज थी, लेकिन वो क्या चाहते थे कि ये जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि ये फैक्ट्रीज और जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई थी वो प्रॉपर्टी उनकी अकॉर्ड उनके खुद के पैसे की बनी हुई थी, मींस उन्हें ये पैसा किसी एरिस्टोक्रेसी से या किसी और व्यक्ति से मिला हुआ नहीं था, ये उनकी खुद की मेहनत की कमाई थी, तो वो सॉल्यूशन तो चाहते थे, लेकिन सॉल्यूशन चाहते थे कि एरिस्टोक्रेसी इसका सॉल्यूशन करे, क्योंकि उसको तो प्रॉपर्टी कहाँ से मिली हुई है, राजा से दान में मिली हुई है ना भाई जी, क्योंकि वो राजा के रिलेटिव्स हैं रहे थे या राजा के अंडर में वर्क कर रहे थे, तो राजा से उन्हें पैसा मिला था, तो वो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि जो एरिस्टोक्रेसी अभी भी फैक्ट्रीज ओपन करके इतनी अर्निंग कर रही है,
वो करें। वो चाहते थे कि एरिस्टोक्रेसी इन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। तो लिबरल और रेडिकल्स के इस एटीट्यूड की वजह से कि भाई वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, दे वांट कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकले और सभी व्यक्तियों को, जितने भी लेबर्स हैं, उन्हें फैसिलिटीज मिले, ठीक है, उनके वेजेस बढ़ जाएं, वर्किंग आवर्स लिमिटेड हो जाएं, हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ये सब चीजें वो चाहते थे। बट क्या चाहते थे वो? दे स्टार्ट अपोजिंग द एरिस्टोक्रेसी, जिसको प्रिविलेजेस मिले थे। क्या किया उन्होंने? दे अपोज्ड द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, पुरानी एरिस्टोक्रेसी को उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया, जिन्हें क्या मिले थे? एरिस्टोक्रेसी विच एंजॉयड द प्रिविलेजेस बाय बर्थ। क्या? ठीक है, बाय बर्थ उन्हें ये प्रिविलेजेस मिले हुए थे। वो चाहते थे कि एरिस्टोक्रेसी जो है वो चेंजेस लेकर के आए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी तो उन्हें मिली हुई है राजा से, हमारी प्रॉपर्टी सेल्फ मेड है तो हम तो उसे खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो थ्रू द ट्रेड, है ना, या फिर फैक्ट्री ओपन करके या किसी भी तरीके से अपनी खुद की प्रॉपर्टी खुद से अर्न की है। तो लिबरल और रेडिकल्स एरिस्टोक्रेसी को ही अभी भी टारगेट कर रहे थे, एंड क्योंकि ये लोगों को विश्वास दिला रहे थे कि समय के साथ आपकी प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो जितने भी लेबर थी या जो भी लोग थे वो इनके चारों ओर मंडराते थे कि भाई हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। आइदर द पीपल दोज आर अनएम्प्लॉयड, या जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है हाउसिंग सैनिटेशन की, जो परेशान है लॉन्ग वर्किंग आवर्स से, अगर आप एक दिन में 12 घंटे 15 घंटे काम कर लोगे तो जो दूसरे आपके असेंशियल वर्क्स हैं, आपके सोना खाना पीना, है ना, इन चीज़ों के लिए टाइम कहाँ रहेगा, है ना, 24 घंटे ही तो हैं हमारे पास एक दिन में। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए कॉमन पीपल इनके चारों ओर मंडराने लगे, और उसी समय पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का एक दौर भी चल रहा था, है ना। अधिकतर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी लाइक जर्मनी, ब्रिटेन, ये कंट्रीज यूनाइटेड होने के कगार पे थी। अभी तक ये एक बिखरी बिखरी कंट्रीज थी, है ना, इटली हो गई, जर्मनी है, दीज आर द यूरोपियन कंट्री। हम यूरोप की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना, है ना, तो केवल यूरोपियन कंट्री के बारे में ही बात करेंगे। आप ये मत सोचना मैडम इंडिया भी हो रही थी क्या, इंडिया इज एन एशियन कंट्री, है ना, हम एशिया की बात ही नहीं कर रहे, हम बात केवल यूरोप की कर रहे हैं, यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट, ओके। तो जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, दे वर द पार्ट ऑफ द यूरोप, और ये कंट्रीज जो थी ये यूनाइटेड और नेशनल होने के लिए फाइट कर रही थी। ऐसे में इटली के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति का भी नाम आता है, गुजफ मैजिनी, जिन्होंने वहां पर एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी, यंग इटली, जिसके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में, 10th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी चल रही थी, यानी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, सोसाइटी जो है वो सोसाइटी पूरी चेंज हो रही है, जो लोग अभी तक डिपेंडेंट थे ओनली एग्रीकल्चर और ट्रेड, उनके लिए एक नया ऑक्यूपेशन, इंडस्ट्रीज जो हैं वो ओपन हो गई, दे फाइट विद द प्रॉब्लम्स ऑल्सो, सॉल्यूशन के लिए भी कोशिश चल रही है। लिबरल्स रेडिकल्स चाहते हैं सॉल्यूशन, बट खुद से करके ना करके क्या चाहते हैं कि ये चीज़ें उन्हें दूसरे प्रोवाइड कर दें, एरिस्टोक्रेसी के थ्रू उन्हें चीज़ें प्रोवाइड हो जाएं, उनके जितने भी पुराने प्रिविलेजेस हैं वो उनसे छीन लिए जाएं और उससे फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है। और यूनिफिकेशन और नेशनलिज्म ये अलग चल रहा है यूरोप में, ठीक है। तो इस समय कई सारे फिलोसोफर्स भी आए जो चाहते थे कि कंट्री में चेंजेस आए, किस तरह के चेंजेस हो वो भी हम डिस्कस करते हैं। आप इन चीजों को नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं अबाउट सम फिलोसफीज ऑफ फ्यू फिलोसफर्स, ओके।
मैं इसको रब कर रही हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अब यूरोप में इंडस्ट्रीज खुलने के साथ साथ क्या हो रहा है, अपोज भी हो रहा है ना, चीजें चेंज भी हो रही हैं। तो इसी समय एक नई टाइप की चीज आई यूरोप में, दैट इज नोन एज सोशलिज्म। ठीक है, क्या हुआ, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। ठीक है, अभी तक एज सच सोशलिज्म वर्ड एग्जिस्टेंस में आया नहीं था, है ना। अब सोशलिज्म वर्ड आया है। अब ये सोशलिज्म वर्ड है क्या एक्चुअली बच्चों? सोशलिज्म का मतलब है कि जो वेल्थ है वो वेल्थ कुछ लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेट ना होकर के मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। मतलब कि जो प्रॉपर्टी ओनर है, जैसे इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रीज में क्या होगा, जितना भी प्रॉफिट है मेजर प्रॉफिट कौन रख लेगा, इंडस्ट्री ओनर, और जो वर्कर्स हैं काम करने वाले लोग हैं इन्हें क्या बांट दिया जाएगा, छोटे छोटे वेजेस इन्हें दे दिए जाएंगे काम के बदले में। क्योंकि आप काम कर रहे हो तो काम के बदले में एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट एज अ सैलरी या वेजेस के नाम पर इन्हें दे दिया जाएगा, और जो उसका फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, वो कौन रख लेगा, वो जो फैक्ट्री ओनर होगा वो सारा प्रॉफिट रख लेगा। तो यहाँ पे जो फैक्ट्री ओनर है वो क्या होता चला जाएगा, और भी रिच, वो एक फैक्ट्री फिर दूसरी फैक्ट्री तीसरी फैक्ट्री लगा लेगा क्योंकि उसको फायदा हो रहा है। और जो वर्कर्स हैं उनका क्या, उनकी तो उस छोटे से वेजेस में बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही, तो वो क्या उससे अपनी लाइवलीहुड प्रॉपरली चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। तो जो गरीब है, जो वर्कर्स हैं वो गरीब होते जा रहे हैं और रिच और भी रिच होते जा रहे हैं। तो ये गैप जो है अमीर और गरीब का, अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म ये खत्म हो जाना चाहिए। जितनी भी प्रॉपर्टी है, भाई ओनर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक बड़ा शेयर रख लें प्रॉफिट का, बाकी का शेयर तो एटलीस्ट बाकी वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिससे वो और भी ज्यादा अच्छे से काम करें, ज्यादा प्रॉफिट हो, और वो भी क्या हो, एकदम गरीब ना रहें और उस गरीबी की लाइन से थोड़ा सा आगे आ जाए, उनकी लाइवलीहुड अच्छे से चले, ना केवल बेसिक नीड्स फुलफिल हो बल्कि वो एक स्टैंडर्ड लाइफ को जी सकें। ठीक है, इसके लिए कई सारे फिलोसोफर्स भी हुए जिन्होंने टाइम टू टाइम अपने ओपिनियन दिए अबाउट द सोशलिज्म, कि किस तरीके से सोशलिज्म को लाया जा सकता है, एक नई सोसाइटी बनाई जा सकती है। ठीक है, जो सोशलिस्ट यूरोप था यहां पर, सोशलिस्ट यूरोप वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट था। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब मेरी प्रॉपर्टी है तो सारा प्रॉफिट मैं रखूं, इस चीज के अगेंस्ट था। सोशलिज्म का मतलब ही मैंने आपको बताया कि जो प्रॉफिट है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ठीक है, तो यहां पर टाइम टू टाइम अलग अलग आइडियाज देने वाले कई सारे फिलोसोफर्स भी आए, है ना, जिन्होंने बताया कि कैपिटलिज्म, ठीक है, ये आपके लिए नया वर्ड है कैपिटलिज्म। ठीक है, कैपिटल वर्ड का मतलब क्या है, वो पैसा जो किसी बिजनेस में लगाया जाता है, या हम मान लेते हैं मनी, है ना, पैसा,
तो ये चाहते थे कि कैपिटलिज्म ना हो। कैपिटलिज्म यानी कि जो पैसा है, मनी है, वो कुछ लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट ना हो। तो उन लोगों को जो कि पूरे पैसे को अपने पास रख रहे थे, प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे थे, उन्हें नाम दिया गया कैपिटलिस्ट, जो प्रॉफिट को शेयर नहीं करेंगे, पूरा प्रॉफिट खुद रख रहे हैं, उन्हें क्या नाम दिया गया? कैपिटलिस्ट। ठीक है, कैपिटलिज्म की जहां पर जगह मैं यहां पर कर देती हूं कैपिटलिस्ट। ठीक है, कैपिटलिस्ट नाम दिया गया। और जो प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं वो क्या कहलाए? सोशलिस्ट। अब प्रॉपर्टी को कौन शेयर करेगा? भाई मेरी प्रॉपर्टी है, मैं क्यों शेयर करूं? मैंने इतनी मेहनत से फैक्ट्री लगाई है, काम लिया है ना, तो मैंने तो सारा पैसा अपने पास ही रख लिया। केवल वेजेस बांटे हैं लोगों में। सोशलिस्ट कौन होगा कंट्री की? या तो गवर्नमेंट सोशलिस्ट हो, या फिर वो लोग ग्रुप में जो मिलकर के आपस में कॉपरेट करके इंडस्ट्री लगा लें, है ना। हम सारे वर्कर्स हैं, हम सब ने मिलकर के एक इंडस्ट्री लगाई और अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो हम सब बांट ले रहे हैं, क्योंकि भाई हम सबका पैसा लगा हुआ है ना, तो हम सब ने प्रॉफिट बांट लिया, काम भी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय जो कैपिटलिस्ट थे इसके अगेंस्ट कई सारे आइडियाज कंट्री में स्प्रेड होने लग गए थे। ठीक है, इसके लिए जो नाम आए उनमें रॉबर्ट ओन, लुइस ब्लैक, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, ये कुछ नाम थे। ठीक है, रॉबर्ट ओन, रॉबर्ट ओन। ठीक है, ये क्या चाह रहे थे रॉबर्ट ओन? कि जो कंट्री है, कंट्री में इंडस्ट्रीज जो हैं उन सब के ऊपर या तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले, या फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए। ठीक है, दे वांटेड टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी। ठीक है, एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना चाहते थे। ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी क्या करेगी? आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेगी और कोऑपरेट करके जितना भी पैसा अर्न होगा वो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी, आपस में ही बांट लेगी। ठीक है, कम्युनिटी क्या नाम दिया उन्होंने? न्यू इंडियाना। ठीक है, इस कोऑपरेटिव कम्युनिटी का नाम दिया न्यू हार्मोनी ऑफ इंडियाना। इंडियाना जगह का नाम है। न्यू हार्मोनी इन इंडियाना उसको नाम दिया गया, कि जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको आपस में शेयर कर लिया जाए। इसके अलावा लुइस ब्लैंक, इन्होंने भी कहा कि कैपिटलिस्ट के साथ काम ना करके ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहते थे। ही वांटेड टू रिप्लेस कैपिटलिस्ट विद द कोऑपरेटिव। ठीक है, कोऑपरेटिव कम्युनिटीज ये भी चाहते थे कि कैपिटलिस्ट जो हैं वो कोऑपरेटिव के साथ चेंज हो जाएं, चीजें बदल जाएं। यानी सभी क्या चाह रहे हैं? दे वर अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट एंड दे वॉन्ट अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी। या तो कोऑपरेटिव कम्युनिटी बने, या फिर गवर्नमेंट ओन कर ले सारी प्रॉपर्टी को, और गवर्नमेंट ओन करके सारी प्रॉपर्टी क्या कर दे?
आपस में लोगों में जो भी शेयर हो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट आपस में लोगों के अंदर शेयर कर दें। ठीक है, इसके अलावा कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक फ्रेडरिक एंजल, ये जो हैं इनके भी विचार आए। ठीक है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ये क्या चाह रहे थे, दे ऑल्सो वॉन्ट कि जो सोसाइटी है वो भी क्या हो जाए। कार्ल मार्क्स में यहाँ पर आर एक्स कर लेना। ठीक है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल भी क्या चाह रहे थे, दे ऑल्सो वॉन्ट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव कम्युनिटी एंड दे वर ऑल्सो अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट। इसके अलावा जो कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो प्रॉपर्टी है उस पूरी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ओन कर ले, और गवर्नमेंट ओन करके उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो लोगों में शेयर कर दे। क्योंकि यहां पर क्या होगा कि भी कोऑपरेटिव कम्युनिटी नहीं बन पाती है तो फिर क्या, रिच और पुअर का डिफरेंस तो बढ़ता ही चला जाएगा, है ना, एक बड़ा गैप आ जाएगा। तो यहां पर फ्रेडरिक एंजल और कार्ल मार्क्स ये भी चाहते थे, मींस दीज आर द फ्यू फिलोसोफर्स जिनके आइडियाज थे कि वो कंट्री को कैपिटलिस्ट से हटवा दें। ठीक है, कंट्री में कैपिटलिस्ट ना हो, वो चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो कौन बना रहा है, हु प्रोड्यूस द प्रॉफिट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स प्रॉफिट प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स, सो प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। ठीक है, और इन आइडियाज के हिसाब से, ये जो आइडियाज थे पूरे यूरोप में, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूरोप, पूरे यूरोप में स्प्रेड होना शुरू हो गए। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सभी कंट्रीज में इससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनने लग गई। जर्मनी में तो एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन बनी नोन एज द सेकेंड इंटरनेशनल। ठीक है, इसके अलावा फ्रांस में लेबर पार्टी बनी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनी इन द जर्मनी, अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्टीज बन रही हैं। ब्रिटेन में बनी लेबर पार्टी, ठीक है, फ्रांस में बनी सोशलिस्ट पार्टी। तो ये पार्टीज क्यों बन रही हैं, जिससे कि कंट्री को कैपिटलिज्म से फ्री करवा करके सोशलिस्ट बनाया जा सके, सोशलिज्म कंट्री में स्प्रेड किया जा सके। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड ऑल दीज फिलोसोफर्स, या हम कह सकते हैं कि ये जो भी आइडियाज थे सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए थे। ठीक है, अब मिलते हैं इन द न्यू लेक्चर अबाउट मोर डिटेल ऑफ दिस सोशलिज्म। टिल देन टेक केयर, बाय।